समलिंगी विवाह को मिलानी स्वीकृति आवेदन खारज कले सुप्रीमकोर्ट सीजेआई कहिले आईन तैयारी कोर्ट संसद में आईन न आसवा पर्यंत मिलनी स्वीकृति प्रधानमंत्री को भेटिले बीजेडी सांसद भर्तृहरि महताब मोदी सह 30 मिनिट धरी आलोचना साक्षात कौन है आलोचना ओडिशा राजनीति में चर्चा वर्षा अनुभव विवाह विच्छेद मामला अनुभव को छाड़पत्र आवेदन को ग्रहण कले हाईकोर्ट वर्षा प्रियदर्शिनी को नोटिस तलकोर्ट रेकर्ड दाखल निर्देश आसंता 9 मामलार परवर्त शुणा राजधानी में मो दल जोरदार विक्षोभ वेदांत बेआईन जमी अधिग्रहण मामलें प्रतिवाद शोभायात्रा राजमहल रास्ता अवरोध कले आंदोलनकारी पार्वण में मिल नपे पर शुक्रवार बंद डाकरा दे भुवनेश्वर कंचा पर व्यवसायी संघ रास्त जबरदखल उच्छेद भाई 11 दफा दाबी में हाट बंद करने चेतावनी बालेश्वर में बेआईन मद भाटी में 100 जनिया टीम चढ़ाऊ माटी तले और पानी भितर लुचाई रखि पोच विपुल मात्रा पोच और रंधा मद जबत केन्दुझर में बणुआ हाथीपल आतंक धान फसल खावा सहित नष्ट 18 टिकिया हाथीपल टॉर्च लाइट मशाल निआहुला देखा हाथी घोड़ा लोके एपर्यंत गांव में पहुंची वन विभाग टीम दिल्ली में प्रधानमंत्री सहित भेट ओडिशा रे राजनीतिक चर्चा प्रधानमंत्री को भेटा और दीर्घ समय धरी आलोचना करने चर्चा एवं बीजेडी सांसद भर्तृहरि महताब दिल्ली गस्त कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साक्षात करते भर्तृहरि प्राय 30 मिनिट धरी प्रधानमंत्री सहित आलोचना रही जदिव कौन राजनीतिक चर्चा होना बर एक अंतर्जात समिट्रे जोगदे से प्रधानमंत्री सहित कथबार्ता होता किंतु तांगर ए साक्षात ओडिशा राजनीति में चर्चार प्रमुख प्रसंग पलटि भर्तृहरि बीजेपी आड़क ढलुवा राजनीतिक महलर आलोचना होना केन्द्रीय बीजेपी से खूब निकटतर बोली जनाशुना प्रजातंत्र एक कार्यक्रम में जोगदे केन्द्र गृहमंत्री अमित शाह अनेक समय भर्तृहरि केन्द्र नेता भेटार नजर रही केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान अनेक थर खुल्लम खुला प्रशंसा कर चर्चा अच्छा सबुठ बड़ कथा गत 2019 निर्वाचन में शेष मुहूर्त बीजेडी टिकेट पाई भर्तृहरि महताब हेले गत 5 वर्ष भितर दल सहित नथिया परी मन हो तेणु 2024 बीजेडी तांको टिकेट नदेले भर्तृहरि बीजेपी ही एकमात्र राजनीतिक विकल्प हो बोली राजनीतिक समीक्षक मैंने कहते भर्तृहरि महताब आप जानते गत थर सी जो परिस्थिति रे शेष मुहूर्त रे टिकेट पाई एथर तक गोटे आशंका अच्छे एथर तक बीजेडी हुए तो नॉमिनेट करना से गत अभिज्ञता से जानते यही 5 वर्ष भितर देखिए सांसद थिला भितर सी दलर मुख्य स्रोत ठारू दूरे अच्छा एपरी व्यक्तिगत भाव में नवीन पट्टनायक सहित तो जो संपर्क पूर्व थिला सी आउ ना से विकल्प चिंता करे से चिंता करेंगे आ लोकसभा लड़े नहीं दूसरा कथा कुछ लोकसभा लड़िए बोली स्थिर करती सी बीजेपी आड़ को जीवे ये जनाशुना क्या आप जानते सी बहु घटन बहु प्रसंगे बीजेपी सरकार कार्यकाल प्रशंसा कर अवश्य ओडिशा जेहेतु बीजेडी मन से आभिमुख्य नौ से किसी भावना किसी बड़धरण त्रुटि अच्छी बोली किंतु व्यक्तिगत भाव में जब संपर्क देखिए बीजेपी जो मैंने तुंग नेता प्रधानमंत्री समेत कर स्वराष्ट्र मंत्री तुंग नेता से सहित भर्तृहरि संपर्क खूब भल भर्तृहरि प्रोग्राम अमित शाह आसी आप जानते ओडिशा एभरी प्रधानमंत्री सहित संपर्क अति घनिष्ठ एवं पार्लियामेंट आप देखिए एवं पार्लियामेंट रे भर्तृहरि महताब वक्तव्य को बहुत गुरुत्व दिए ए सरकार दिए से दृष्टि बीजेपी सहित गोटे घनिष्ठता अच्छी लेखा जी देखिए मतामत देखिए
सी जदि बीजेडी टिकेट न पाती जो टिकेट न पाइबार संभावना खूब अधिक एवं से लोकसभा लड़ती प्रिफर चॉइस होची बीजेपी मु भावुची ए चर्चा रे मध्य सत्यता अच्छी आगामी दिन में से कथा पार्टी उत्तर देव मो पाखे से तथ्य ना किंतु जहाँ चर्चा होजी मो मनर जानापी पाँची आगामी दिन में विजु जनता दल अनेक बड़ नेता से मैंने भारतीय जनता पार्टी योगदान करेंगे एवं भारतीय जनता पार्टी विशाल तहार नवे कलबर तैयारी सरकार करने को मुवमेंट करुच्ची निश्चित भाव में यह सफल हम एवं जहाँ एक चर्चा होती सत निश्चित भाव में हो पाए सब बेले इलेक्शन निर्वाचन आसे लोक एम कहते दल छाड़ से दल आसवे जी बोली कितु से कौन से बोध सतर्क रुहतु दल नेता छाड़ छुड़ी इे आसबे ना तो बीजेपी कहे अनेक नेता मंत्री सांसद आम सहित जोजोग मुझे कथा कहूँ सी तर नेता मैंने आम जोजोग ना तो क्या भूल भाल कौन उल्टा कौन थे मतलब लगुच मोर जानवर सेमती किसी ना निर्वाचन आसे ये भाया जिनस सब हुए यहाँ को माइंड कले हम ना कि कहीं कहीदे आम खराब भावा उचित नुह राजनीति में सब सब भाया कथा उठे कितु निर्वाचन आसित भाव में विजु जनता दल भल कर सन्देह हो समलिंगी विवाह को अनुमति मिलानी सुप्रीम कोर्टर पांचजणिया खंडपीठ शुणाणी करी राय देचंती प्रधान विचारपति जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ कहते स्वतंत्र विवाह आईन आणवा अधिकार कोर्टों पाखे ना संसद द्वारा आईन आसिले समलिंगी विवाह को स्वीकृति मिल पार समलिंगी विवाह मामलें सीजेआई समेत जस्टिस कौल जस्टिस एस रवींद्र भट्ट जस्टिस पीएम नरसिंह और जस्टिस हिमा कोहली खंडपीठ शुणाणी करते मामलार राय तीन दुई में भागभाग हो रही हेले स्वतंत्र विवाह आईन आणवा कोर्टों अधीन ना समलिंगी विवाह को आईन स्वीकृति मिलू बोली देशर विभिन्न हाइकोर्ट में आवेदन होता गत वर्ष डिसेंबर मस मामला सुप्रीम कोर्ट को फॉरवर्ड करा ए संक्रांत में केन्द्र सरकार को रिपोर्ट मागिथिले सर्वोच्च न्यायालय गत मे 11 तारीख में मामलार शुणाणी कर राय संरक्षित रखी सुप्रीम कोर्ट इससे फायदा ये हुआ जो कुछ एलिमेंट इस तरीके का माहौल ख़राब करना चाहते थे आज उन पर फुल स्टॉप लग गया है इस तरीके की जो कई बार जो हमारी कुछ फॉरेन पावर्स जो इंडिया को डेवलप होने से रोकना चाहते थे हमारी जो सोसाइटी हमारा जो सिस्टम को ब्रेक डाउन करना चाहते थे आज उनको बहुत धक्का लगा है और हमारी ट्रेडिशंस कंटिन्यू रहेंगे हाउएवर ऑल फाइव जजेस हैव अग्रीड दैट द फंडामेंटल राइट ऑफ मैरिज इज नॉट अ फंडामेंटल राइट विच कैन बी रिकॉग्नाइज्ड विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दैट दीज आर मैटर्स ऑफ पॉलिसी विच हैव टू बी लेफ्ट टू द पार्लियामेंट हाउएवर ऑल फाइव जजेस हैव एम्फसाइज्ड दैट ड्यूरिंग द हियरिंग्स द लर्नड सोलिसिटर जनरल हैड सजेस्टेड दैट अ कमिटी बी सेट अप चेयर्ड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी which will look into the concerns of homosexual couples and operationalize certain rights that should be available to homosexual couples and they have all emphasized that this committee should sit and look into these concerns and then take appropriate steps I think all five judges have taken that view and unfortunately the expectation that the LGBTQI committee had from the court has not been met right now we don't know what is going to happen in the future the struggle for the LGBTQI community has been full of obstacles right from the you know the first judgment that was pronounced so we can only wait and watch and we'll wait for the complete judgment and see how it would affect you know cases of you know LGBTQI couples which are pending before courts as well अभिनेत्री वर्षा प्रियदर्शनी को हाइकोर्ट नोटिस अनुभव महांती आवेदन को ग्रहण करते हाइकोर्ट और तल कोर्ट रेकर्ड दाखल करने वर्षा प्रियदर्शनी को निर्देश देते हाइकोर्ट फैमिली कोर्ट विवाह विच्छेद मामला खारज करने हाइकोर्ट जाते अनुभव फैमिली कोर्ट अनुभव आवेदन को खारज करने सोशल मीडिया पुणी वीडियो छाड़ छाड़पत्र स्वीकार करने पत्नी वर्षा प्रियदर्शनी को अनुरोध करते गत 10 तारीख में एक नुआ वीडियो छाड़ी अनुभव कहते बापा देह बहुत असुस्थ अच्छी जहाँपाई राति शुना तेणु तक पर कहा जीवन सहित खेलतु ना पूर्व विच्छेद पर बंधु रहा वर्षा एक ट्वीट करते अनुभव
पार्वण को वर्षा भिजेब ए आशंका गत किछि दिन धरी लागि रहुतला से आउ टिके स्पष्ट संकेत आसी जे 18 तारीख में 11 जिले में वर्षार संभावना अच्छी 19 तारीख में 8 जिले में वर्षा हो पारे तीन दिन पर्यंत 18 19 20 तीन दिन पर्यंत राज्य में वर्षार संभावना रहुछि। 18 20 तारीख पर्यंत वर्षा नहीं पूर्वानुमान होउछि। 21 तारीख रु राज्य में सुखिला रहिबो पाग। 24 तारीख में मंडपरे दशमी विजया दशमी। 21 तारीख रु पाग भल रहिबो किंतु ता पूर्वरु वर्षा दुई तीन दिन पर्यंत सारा राज्य को भिजाई पारे। 18 19 20 तीन दिन पर्यंत राज्य में वर्षा हेबो। 20 तारीख बेलू लघुचापर संभावना अच्छी जो प्रचंड गरम और गुड़गुड़ रही है से लोके आश्वस्ति पाइबार संभावना सृष्टि। 18 तारीख में 11 जिला वर्षा संभावना आउ 19 तारीख में 8 जिला वर्षा संभावना रही। ए संपर्क में अधिक सूचना पाई हम प्रतिनिधि मौसुमी महांती आम सहित जोड़ी होती। मौसुमी कौन रोच 18 20 पर्यंत राज्य पाणीपागर चित्र देखु जेहेतु आग को पार्वण आसुची दशहरा समय आसुची तेना लोक अपेक्षा रही कि से समय पाणीपाग केमती रहिबो। आज भारतीय पाणीपाग विभाग जो पूर्वानुमान करिछि से अनुसार दक्षिण पूर्व बंगोपसागर और तार पार्श्ववर्ती आंदामान सगर एक घूर्णीबल सक्रिय रही जहाँकि धीरे धीरे उत्तर उत्तर पश्चिम दिगरे गति करिबो और तार प्रभाव में आगामी 20 अक्टोबर बेलू एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होवार संभावना अच्छी और केन्द्रीय बंगोपसगर यह लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होवार संभावना अच्छी। तार प्रभाव में ओडिशा रे हल्का रु मध्यम धरण वर्षा होई परे जो असह्य गरम गुळगुळी आपण देखछन सेत्रे मध्य परिवर्तन आसीबो तापमात्रा मध्य कमी जियो तनो अपेक्षा रहइबो 20 अक्टोबर बेलू या बंगोपसगर आसुथिबा एक घूर्णीबळटी केते अधिक रु अधिक घनीभूत होबो आउ ता स या घनीभूत होई लघुचाप रूप नेला परे आउ अधिक घनीभूत होबो ना दुर्बल होइछिबो आ तर प्रभाव आंध्र प्रदेश उपरे पड़ी पारे तेथि वर्षा आई पारे तर प्रभाव ओडिशा उपरे मध्यम पड़ी पारे किंतु बंगोपसगर ए सिस्टम के आसुछि ता स अरब सागर मध्यम एक घूर्णीबळ सक्रिय रहिछि से स्थान रे मध्यम एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होवार संभावना अछि ओ तार प्रभाव रे ता अधिक रु अधिक घनीभूत होई दक्षिण पूर्व ता पार्श्ववर्ती पूर्व केंद्रीय अरब सागर सेठी मध्य 36 घंटे सिस्टम के आउरी अधिक रु अधिक सक्रिय हबो तार गति मध्य पश्चिम उत्तर पश्चिम आड़ को रही ता अधिक रु अधिक घनीभूत होई कि गोटे अवपात रूप नव केंद्रीय अरब सागर 21 अक्टोबर बेलू किंतु जेहेतु अरब सागर ए सिस्टम रो प्रभाव रे ओडिसा रे किछ फरक पड़बनी पाणीपाग उपरे किंतु बंगोपसागर जो घूर्णीबल क्षेत्र टी वर्तमान समय रे सक्रिय रहिछि दक्षिण पूर्व बंगोपसागर ता पार्श्ववर्ती अंचल रे ता अधिक सक्रिय होई घनीभूत होई जेतेबेले लघुचाप रे रूप नव तार प्रभाव रे ओडिसा रे हल्का रु मध्यम धरण वर्षा होई परे किंतु आंचलिक पाणीपाग विभाग वर्तमान समय रे वर्षा रो वार्निंग नै कोनसे सूचना जारी करी नहीं। आंचलिक पाणीपाग विभाग जो वार्निंग जारी करछि से अनुसार लाइट टू मॉडरेट रेन हल्का रु मध्यम धरण वर्षा किछि किछि अंचल रे हेई पारे 18 19 20 रे जेमिति कि बालेश्वर भद्रक केन्द्रापड़ा मयूरभंज पुरी गंजाम गजपति कोरापुट सुंदरगढ़ किछि किछि स्थान रे गोटे दुटी स्थान रे 18 19 20 रे हल्का हल्का वर्षा हेई पारे किंतु जो वार्निंग कथा कहिबा ताले आगामी 22 तारीख सकाळ 8:30 पर्यंत आंचलिक पाणीपाग विभाग रो जो 5 दिन वार्निंग दिए पाणीपाग विभाग 5 दिन पर्यंत सेभळी कोनोसी वर्षार वार्निंग आंचलिक पाणीपाग केन्द्र देई नाही किंतु ए जो लघुचाप क्षेत्र रे जदि बंगोपसागर सृष्टि होई होत तार प्रभाव रे किछु वार्निंग आसी पारे आंचलिक पाणीपाग विभाग तरफ रु। संग्राम ओके मौसुमी धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद समस्त सूचना पाए। खोर्धा 57 नंबर जातीय राजपथ भालियाबाड़ी छक मर्मन्तुद सड़क दुर्घटना ट्यांकर और स्कूटी धक्कारे जड़े 5 वर्षर छात्रर मृत्यु होता बेले माँ गुरुतर भाव में आहत होती। स्कूटी में पुओ को स्कूल को स्कूल घर को आणुते गांधीपड़िया अंचल बैजयंती दास इस समय पछपटर द्रुतगति से आसी एक ट्यांकर स्कूटी को धक्का बैजयंत किसी दूर से छेटिके पड़ता बेले पुओर पेट उपर ट्यांकर चढ़ी जा घटनास्थल ही 5 वर्षर पुओ विनायकर मृत्यु हो जाए। ड्राइवर और हेल्पर को काबू करी पुलिस जिमा देते लोके नाबालकर मृतदेह को जबत करी टाउन थाना पुलिस तदंत आरंभ कर घटना को नहीं उत्तेजना प्रकाश पाई छक हम्स निर्माण दाबी करी गाँव लोके रास्ता रोक कर फल राजपथर उभय पटे जानवाहन चलाचल बंद रही है।
ए संपर्क में अधिक सूचना पाई हम प्रतिनिधि रमेश साहू आम सहित जोड़ी होती। रमेश, पांच वर्षर पु कथा है ही माँ सहित स्कूटी स्कूल रू फेरु हठात एत बड़ अघटन जीवन चली जा स्थानीय लोकों भितर केते उत्तेजना घटना को नहीं निश्चित संग्राम देखुं आज गोटे खोर्धा सहर भितर एक हृदय विदारक दृश्य देखा मिलता सूचना दौले जे एक निष्पाप शिशु जी रही निरीह शिशुर गोटे जीवन चली जाइ जो रही खोर्धा नुआ बस स्टाण रु मात्र 200-300 मीटर दूर से हनुमान मंदिर निकट निकट दे स्कूल रु छुट्टी है परीक्षा छुट्टी है माँ सह स्कूटी में जाऊला हसगुछे जाता बेले पचपटे एक द्रुतगामी टैंकर धक्का देता जहाँफल छोटिया शिशुर देह उपरे चढ़ी जाता है से स्थान छुआटर मृत्यु होता है परवर्त समय माँ मत गुरुतर रही है उभय को खोर्धा हस्पिटाल भर्ती कराइला जहां सूचना मिलता माँ देह जदि सामान्य भल अच्छी किंतु शिशुटर जीवन चली जाता निश्चित भाव में देखिए ये हृदय विदारक दृश्य फल जिते उपस्थित जिते लोक थे समस्त आखिर लुह झरी पड़ा कहीं एत कौल बयस शिशु जी कि कौन विश्वास जाणी नाला माँ सागे दुख चुप स्कूल घर को फेरुला तेनालीर से राजरास्ता को अवरोध करते स्थानीय लोक मैंने उत्तृप्त लोक मैंने अवरोध करते कहीं हूँ एक चारिकणिया रोड थी गोटे जातीय राजपथ को जोग करूला से जगार द्रुत गति में बहु बड़ बड़ जान जावा करते कि भाव में से जान धीरे जीव जो गांव को जवाप रास्ता कि भाव में ठिक रही उत्तृक्त लोक मैंने रास्ता रोक करते परवर्त समय एसडीपीओ उपजिलापाल घटनास्थल में पहुंचे स्थानीय लोक बुझाशा करते बहु संख्यार गाड़ी जो अटक रही किभली भाव में छाड़े कही लोक प्रतिश्रुति जो रही होम्स निर्माण कर प्रतिश्रुति पर रास्ता अवरोध हटि बर्तमान जहां सूचना रही बर्तमान माँ मेडिकल अच्छा शिशु से मेडिकल रखाई परवर्त समय व्यवच्छेद पर शिशु को अणा रमेश बापा माँ गोटे ही सतान थी कि हाँ एकम्र पुला गोटे शिशु थी निश्चित भाव में गोटे हस खुशी से स्कूल जाते तार परीक्षा आज तो परीक्षा छाड़ी से फेरुला जमी रही आल्प आल्प बाट जाते घर सी पहुंची पारि था कि दुर्भाग्यवशत ये द्रुतगामी गाड़ी एक्सीडेंट फल तार मृत्यु होता संग्राम निश्चय बड़ हृदय विदारक घटना पुनी पुओटी जीवन कौन जानी परीक्षा दे माँ सहित फेरुची पांच वर्ष पिला आउ गाड़ी धक्कर जीवन चली जाऊ सूचना पाई धन्यवाद रमेश। भुवनेश्वर मो दल पक्षर विक्षोभ मास्टर कैंटीन रु कैपिटल थाना पर्यंत रैली जावाप विक्षोभ प्रदर्शन करा पुरी जिले में वेदांत विश्वविद्यालय पर बेआईन जमी अधिग्रहण अभियोग में विक्षोभ करा जाउछे। आमे कटक रु पदयात्रा कर मधुबाबू को मूर्ति में फुलवाड़ दे आसी था बाहरी था जो मधुबाबू ब्रिटिश सरकार समय बंचे थे ओडिशा स्वाभिमान को बंचे थे जगन्नाथ मंदिर जो थे रक्षाबेक्षण नौ कि इंग्रेज सरकार लड़ी आनी पदयात्रा कर आज भुवनेश्वर पहुंचता कैपिटल पुलिस स्टेशन दवापाई एफआईआर किंतु सी कटक भुवनेश्वर पुलिस कमिश्नर पुलिस सरकार तरफ इंगित मना करदे निश्चित कले पदयात्रा आज भुवनेश्वर पहुंचल कैपिटल पुलिस स्टेशन एफआईआर दवापाई आम जाऊ जाऊ रास्ता रोकी कहीं बालेश्वर में बेआईन मद फाटी चढ़ाऊ पुरुणा बालेश्वर में पुलिस अबकारी विभाग और वन विभाग पक्ष मिलित भाव में चढ़ाऊ विपुल परिमाण पोच और रंधा मद जबत कर टीम पखापाखि 500 लिटर रंधा मद और 41,000 लिटर पोच जबत कर मद रंधा जा सामग्री सब नष्ट दुर्गापूजा उपलक्षे प्रचुर परिमाण मद रंधा जा खबर पाइबा वन विभाग पक्ष चढ़ाऊ होता टीम प्राय 100 जन कर्मचारी सामिल होते चढ़ाऊ खबर शुणि पोखरी भितर और मटी तले मद और पोच लुचाई रखी थे मद माफिया चढ़ाऊ पर विपुल परिमाण मद को नष्ट आउ जो जगार मद रंधा जा रखा जाता से पात्र गुड़ी को नष्ट
ପାଲେଷ୍ଟାଇନ୍ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଆସିବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁ। ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ବାଇଡେନ୍ଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଆସିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ନେତାନ୍ୟାହୁ। ଏହାପରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ବାଇଡେନ୍ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଯିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ହମାସ ଯୁଦ୍ଧ ଆଜି 11 ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଗାଜାରେ ହମାସ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ମୂଳପୋଛ କରିବା ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ସେନା ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ବିଶାଳ ଯୁଦ୍ଧ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଗାଜା ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ହେଲେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ଇସ୍ରାଏଲ୍କୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ କହିଛନ୍ତି ଗାଜାକୁ ପୁନଃ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଇସ୍ରାଏଲ୍ ପାଇଁ ବଡ଼ ଭୁଲ୍ ହେବ। ହେଲେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆତଙ୍କବାଦକୁ ହଟାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଯୁଦ୍ଧର ନିୟମ ଅଧୀନରେ କାମ କରିବ ବୋଲି ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। କେନ୍ଦୁଝରରେ ବଣୁଆ ହାତୀ ଆତଙ୍କ, ଧାନ ବିଲରେ ପଶି ଧାନ ଖାଇବା ସହିତ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଫସଲ। ଗତକାଲି ରାତିରେ 10-ଟିକିଆ ହାତୀପଲ କେନ୍ଦୁଝର ସଦର ରେଞ୍ଜ କେରି ଗାଁକୁ ପଶି ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇଛନ୍ତି। କେରି, ବାଘୁଆ ସାହି ଆଉ ପାଟ ଧନୁଜୟପୁର ଗାଁ ଚାଷୀଙ୍କର ବ୍ୟାପକ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ହାତୀପଲ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଗ୍ରାମବାସୀ ଏକାଠି ହୋଇ ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍, ନିଆଁହୁଳା ଧରି ହାତୀ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ସେମାନେ ଏଥିରେ ବିଫଳ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ହାତୀ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। ମୋବାଇଲ ଟଙ୍କାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସାଙ୍ଗକୁ ହତ୍ୟା। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଚାନ୍ଦବାଲି ଥାନା ଅଣଖା ସାହି ଗାଁରୁ ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଆସୁଛି। ମୋବାଇଲ ଟଙ୍କାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସାଙ୍ଗକୁ ହତ୍ୟା କରି ପରେ ପୋଖରୀରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମୃତକ ହେଉଛନ୍ତି ମାଧପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଅକଣାସାହି ଗାଁର ସୁକାନ୍ତ ଦାସ। ସେ ଗାଁର ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଜୟ ଦେବାଶିଷ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ସହିତ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ ପାଇଁ ମୃତଦେହକୁ ପୋଖରୀରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ସୁକାନ୍ତଙ୍କ ପରିବାର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ପୋଲିସ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଟିମ୍ ସହିତ ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ସହାୟତାରେ ମୃତଦେହ ଠାବ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜୟ ଦେବାଶିଷଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି ଚାନ୍ଦବାଲି ଥାନା ପୋଲିସ।